कालीगढ़ के लड़कों से, और ग्राउंड का नज़ारा देखिएगा गाइस आप एक बारी, ये व्यू देखिए आप। खिलाड़ी वापस कूपन में नहीं निकलना शीशे। तो राजेश सिंह जी हमारे बीच में पहुंचे, हमारे प्रणाम। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, और स्वागत है आपका एक बार फिर से काफ़ी लंबे समय के बाद मेरे यूट्यूब चैनल पे। और हम लोगों को बता दें जो हमारे ब्लॉग नहीं आ रहे थे बीच बीच में, वो इस वजह से नहीं आ रहे क्योंकि हमारा जो फ़ोन है वो हो चुका है ख़राब, रिचार्ज नहीं हो रहे ठीक से, तो बड़ी मुश्किल से हम इसको कल रात भर चार्ज पर लगा के आज आपके लिए जो है ब्लॉग तैयार कर रहे हैं। तो फिलहाल मैं अपनी घर की छत पे, और सुबह के बज रहे हैं 6:30। मौसम देखिए गाइस, तो हाँ देखिए हल्की सी धूप दिखाई नहीं दे रही है लेकिन है, जैसे कि यहाँ पे है। तो ठंडियों के दिन जो है अब शुरू हो चुके हैं, तो पहाड़ों में जो है काफ़ी ज़्यादा ठंड बढ़ गई है, और धीरे धीरे यहाँ पे पाला पड़ना भी बहुत मतलब शुरू हो चुका है। ओए, और पाला की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है ठंड बढ़ गई है। चलिए गाइस अभी आपको दिखाते हैं हम क्या क्या यहाँ पे है आजकल। तो देखिए गाइस आजकल जो है सीज़न माल्टों का है, गाँव में माल्टे जो है इतनी ज़्यादा मात्रा में है एक पेड़ पे, और साथ ही साथ ये है संतरे, संतरे आप देख सकते हैं, और ये फिर से माल्टे। अभी इस बार माल्टे मौसमी नारंगी और संतरे वगैरह बहुत हैं इस बार खाने के लिए। तो गाइस फूल वगैरह जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सूख चुके हैं, देखिए ये वाला फूल जो हम कोलंटेश्वर से लेके आए थे काफ़ी अच्छा यहाँ पे खिला हुआ है अभी, और साथ ही साथ ये हम लाए थे खरीद के, तो देख सकते हैं कितना अच्छे तरीके से खिल रहा है फूल। अब पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में ये फैल रहा है, जबकि इतना बड़ा नहीं होता था, तो पहली बार इतना बड़ा फैल रहा है, और इस सौंप का है पेड़ सौंप। तो गाइस भोटिया बकरी जो है वो अब नीचे की ओर जाने लगे हैं, मतलब वो तो रामनगर इस साइड बाबा साइड जा रहे हैं, और पहाड़ी क्षेत्रों से आके क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ कितनी लगी है, तो ठंड की वजह से वो तो जो है नीचे की ओर जाते हैं। तो हमने उनसे लिया है भोटिया कुतिया, और साथ ही साथ हमने उनसे 5-6 खाड़ू भी लिए। वहीं आपको मिलाते हैं, सबसे पहले हमने कुतिया ले रखी है उनसे, जो कि कुछ दिन में ही बच्चों को जो जन्म दे देगी। तो गाइस ये रही वो भोटिया कुतिया जो अभी 4 या 5 दिन में शायद बच्चों को जन्म दे देगी, काफ़ी मासूम है, और बहुत ज़्यादा गम है इसे अपने यार दोस्तों से बिछड़ने का। तो अभी हमने इसका नाम रखा हुआ है ब्लैकी, वैसे पता नहीं इसका नाम क्या था। तो बांध के हमने इसलिए रखा हुआ है क्योंकि जिस ओर से हम इसको लेके आए हैं ये हर बार वहीं चली जा रही वापस, तो बांध के रखा हुआ ताकि ये भागे ना। तो अब इसको थोड़ा बहुत जो है घुमा लेते हैं, एक घर से दूसरे घर इसको घुमा लेते हैं, तब इसकी जो है आदत सही रहेगी, क्योंकि ये अंदर लेट ही रहती है बस, इसको कोई घुमाता है नहीं। अब हम इसे घुमाते हैं पहले थोड़ा सा, तो अभी हम जो है इसको घुमा के अब घर की ओर लेके जा रहे हैं, और काफ़ी शांत है। जिनसे कुत्ता हमने लिया हुआ है उनका दावा है ये 5 या 6 बच्चों को जन्म देगा, और हमारे पास इसके फिर 6 बच्चे हो जाएंगे। तो गाइस सुबह सुबह यहाँ पे बंदरों ने आतंक मचा दिया है, और परेशान हो चुके हैं गांव वाले क्योंकि जो तरबूज वगैरह रह गए हैं तरबूज वगैरह को खा रहे हैं बंदर। हमारे गांव के जो कुत्ते हैं 3-4 होते हैं बंदर को भगाने, देखिए पता नहीं किसका तरबूज है कहाँ से उठा के यहाँ फेंक दिया है, इतने बड़े बड़े तरबूजों को ये उठा के लेके जाते हैं। यहाँ भी है एक शायद, देखिए
ओ बोड़ तरबूज खा ली क्या सब? तो ये घास के खुम्ब है, इस तरीके से घास की सेफ्टी की जाती है। पहले भी मैंने आपको बताया ताई जी, उनके बहुत ज़्यादा खुम्ब है यहाँ पे। तो ये गाइस जो ये साड़ियाँ लगाई हैं रामी चाची उन्होंने, तो इसके अंदर आप मटर बोए हुए हैं पहले से बचाने के लिए, और जो बकरियाँ आती हैं ताऊ जी की उनसे बचाने के लिए है। अब तो कौक जानी कौक, तुम अबल पोहर से जा, जाओ जा कार्तिक जा यार। धीरे धीरे गाइस हमारे गांव की ओर धूप बढ़ती हुई। तो गाइस आजकल की जो मेन डिश है माल्टे की खटाई आजकल आप देख भी सकते हैं, अच्छी वीडियो आ रही है उस पर, तो आजकल बहुत ज़्यादा खाया जाता है। और जब कड़क धूप लगी दिन में उसके बाद माल्टे से जो खटाई बनाई जाती है दही के साथ, काफ़ी अच्छा मज़ा आता है उसमें। तो सबसे मेन डिश है जो आज की वही है आजकल। तो मान्स टूर एंड ट्रेवल्स का आज आखिरी दिन, और जो फाइनल मैच है वो है SSP बरात के साथ, और उनके साथ खेलेगी काशीपुर की टीम। फाइनल है आज, कम से कम 11-12 बजे से मैच शुरू होगा। गाइस ये जो मेरी कैरी थी, इस कैरी में तकरीबन यहाँ पे देखिए मटर, और इधर हो चुकी है राई। प्याज के पौधे जो है ये सूखने लग गए हैं, पालक यहाँ पे गिरने लग गया हमने, देखिए पालक भी जो है काफ़ी अच्छा हो गया। तो प्याज के पौधे जो है अब सूखने लग गए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। तो गाइस फिलहाल हम शॉप की ओर, और अब जैसे अभी हम रास्ते से आ ही रहे थे तो इतने में हमें साहिल भाई की कॉल आई, और उन्होंने एक बुरी खबर सुनाई। उनके गांव में एक दादाजी थे बहादुर सिंह जी, उनका जो है देहांत हो गया कल रात को, तो इस वजह से हमें जल्दी जाना पड़ रहा है। तो एक आज हम सरायखेत स्कूल के सामने 6 सवारियाँ हम, अरे आरू आरा उतर जा भाई उतर जा, ये खिरोन प्रणाम। गाइस हम पहुंच चुके हैं गावटनी के ऐतिहासिक मैदान में, जहां पे चल रहा है फाइनल मैच बरात और काशीपुर के मध्य। ग्राउंड को लेके चलते हैं, तो मीडिया फरवारी लगातार बने हुए हैं। तो काशीपुर की आई हुई है पहले बैटिंग, बरात वाले ने काफी अच्छे तरीके से इनको अभी रोक के रखा हुआ है। और ये दर्शक देखिए मेरे बोल, चलो फाइनल फाइनल मैच देख आ जाने ना अभी, क्योंकि शायद ने कल सेमीफाइनल में बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की थी। तो गाइस ये है हमारे कन्याल देवता का मंदिर, जो कि काफी पुराना है। एक बार यहाँ पे पूजा हुई थी, काफी बहुत बड़ी पूजा, और सामने देखा ये हमारे प्रमुख साहब हैं, और उनके आगे जो है गुरुदेव हमारे गांव के। मंदिर के लिए शायद कुछ कार्य आ जाए, इतनी उम्मीदें हमें भी हैं। और यहाँ कालीगढ़ की चौथी विकेट 20 रन पे 5 ओवर, मामा जी है मुंगफलियों का मजा ले रहे हैं। तो मैच जो है एक तरफा यहाँ से होने वाला है कुछ देर बाद, क्योंकि इतनी उम्मीद नहीं थी किसी को भी कालीगढ़ के लड़कों से। और ग्राउंड का नजारा देखिएगा आप एक बारी, ये व्यू देखिए आप। तो गाइस पहली इनिंग खत्म होने के बाद जो है गढ़वाल ने बनाए हैं 144 रन, 15 ओवर में, यानी कि 90 गेंदों पे। तो आज जो है फाइनल मैच है, और दर्शक काफी ज्यादा है यहाँ पे। और अमन श्री बच्चे सिंह दुराल जी हमारे मंच में पहुंच चुके हैं, तो और उनका स्वागत करेंगे। कूपन नहीं निकलना शिशिर। तो राजेश सिंह जी हमारे बीच में पहुंचे, हमारे गाइस फाइनल मैच में अंपायरिंग कर रहे हैं हम यहाँ पे, हमारे साथ संजीव भाई पांडे, और मौसम यहाँ पे हो चुका है खराब बारिश आने की आशा। तो हम जल्दी से जल्दी मैच करवाते हैं, उसके बाद निकलते हैं फिर घर। तो आज आखिरी दिन,
इस टूर्नामेंट का, और इसके बाद भूमिया कप भी यहाँ पे बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। तो बारात के ओपनर पहुँच चुके हैं, 145 रन चेज करने हैं। तो यार गाइस फील्डिंग करते टाइम एक खिलाड़ी काफ़ी तेज भागा यहाँ से, और देखिए यार तो ब्लॉक करो मैं ठीक है। आ जाओ आ जाओ, आराम से आ जाओ। तो बारात की टीम की हार हो चुकी है, 85 रन बना पाई है, और यहाँ पे प्राइस अब बांटा जाएगा। ग्रीस कांटपाल जी से हमारा निवेदन है, कृपया मंच के आगे दोनों टीमें बात खाना चाहिए, कोई बात नहीं कब बात नहीं खाना चाहिए बात यार। तो गाइस आज के वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से बारात जो है सेकंड आई, और काशीपुर के लड़के थे जो फर्स्ट आए, और हमने जो भोटिया कुतिया ले रखी है उसके बच्चे अगर किसी को चाहिए तो हमसे ज़रूर संपर्क करें। और फिलहाल अभी मैं आशीष भाई के रूम पे हूँ सरायखेत में, और हम यहाँ से जा रहे हैं हांसली हम जा रहे हैं सुंदर भाई की शादी में, उनके न्योतेराज, और कल उनकी शादी जाएगी रिक्साल। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और ध्यान रखिए दोस्तों अपना।